मैंने कहा था जनबल हमारे इस मिशन को सफल कर सकता है, और आप सबने एक मुनिराज की बात को मान करके दिल्ली के लाल किले पर जो 60,000 लोगों के साथ हम लोगों ने जो एक साथ आवाज उठाई थी, हुंकार भरी थी, देखिए उसका असर कि हमारे मनोज तिवारी जी ने संसद भवन में इस बात को उठाया और पूरे देश में क्रांति छा गई। जगह जगह जुलूस, जगह जगह डीएम को और कलेक्टर को है ना ज्ञापन दिया गया, और उसका फल ये निकला कि आज झारखंड सरकार ने जिन्होंने शिखर जी क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित किया था, उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। और उन्होंने अपना फैसला वापस लेकर के और जैन समाज के लिए सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पूरी सरकार, झारखंड सरकार और मैं मोदी सरकार के लिए, सबसे पहले केंद्रीय सरकार जो मोदी सरकार है जिसे हम गलत समझ रहे थे, उन्होंने हमारा साथ देकर के तुरंत कार्रवाई की और झारखंड सरकार से चर्चा करके और इस मिशन को सफल कर दिया। हम मोदी सरकार का अभिनंदन करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं, सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं की ओर से उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि आपने जो ये कार्य किया है इससे सरकार को बहुत बड़ा बल मिलेगा, बहुत सारा पुण्य मिलेगा, और उन्हें साधुवाद देंगे सभी साधुगण। और जैन समाज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपने एक आवाज संत की आवाज को सुनकर के और अपना जो फैसला बदला है ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं मनोज तिवारी जी को और जो सारंगपुर से जो सांसद थे बसपा के और वहीं पर एक सांसद और रेड्डी जी, इन सभी का धन्यवाद दूंगा और सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा कि इन्होंने मेरी आवाज को जन जन तक पहुंचाया और सरकार तक पहुंचाया, और आज सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है ना। एक बार सभी लोग खुशियां मनाइए। पांच लोग देख रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, लोग देख रहे हैं अभी मेरा बिहार हो गया था 600 लोग लाल मंदिर से हम लोग अभी यहाँ पर फरीदाबाद के लिए बिहार कर चुके थे, पर अभी शिखर जी की खुशियां देकर के मोदी सरकार ने अभी 2 दिन के लिए फिर वापस लाल मंदिर लौटूंगा और वहां पर एक फंक्शन रखूंगा और वहां पर इन सभी नेताओं को बुलवा करके और उनका सम्मान पूरी समाज के साथ सम्मान करूंगा। और देखिए इस आवाज को पूरे देश में फैला दो, खूब शेयर कर दो, जगह जगह फैला दो और बोल दो कि देखो संतों की आवाज में कितना दम होता है। जब कभी कोई कार्य में अगर कोई संत आगे आ जाते हैं, मैंने कहा था शांति सागर जी महाराज ने संतों के आहार विहार के लिए रास्ता खोला था, विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनिराजों के ऊपर बहुत ज्यादा उनका अवसर दूर किया था, वहीं पर मैंने कहा था अब समेत शिखर जी के लिए एक आवाज मुनि विहर सागर जी महाराज संत के रूप में, मुनि विजय महाराज संत के रूप में जो आवाज उठाई गई है वो आवाज सीधे सीधे परमात्मा शिखर जी के एक एक टोंक से जाकर के और फिर यहाँ आकर हम लोगों के पास वापस आई है। और आज मैं पार्श्वनाथ भगवान जी को उनके चरणों में नतमस्तक हुए, उनके बार बार नमोस्तु करते हुए एक एक टोंक पर बात समेत शिखर जी का चमत्कार, समेत शिखर जी का आश्रय, और ये उनके आश्रय के कारण से एक संत मुनि बिहार समाज का आश्रय हो गया और शिखर जी हमारा हो गया वापस। और कल हम लोग वापस लाल मंदिर पहुंच करके कल या परसों में ही जश्न मनाएंगे और आप सब लोग फिर आएंगे। हर व्यक्ति इस बात को पूरे जग में फैला दो कि देखिए
जब संत एक हो जाते हैं, सारे संतों के मुख से एक आवाज निकलती है तो धमाका होता है। और देखिए आज वो धमाका हो गया और आज हमें लोकसभा अध्यक्ष मोदी जी, राष्ट्रपति जी और सभी सांसदों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बिरला जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और जितने सांसदों ने आवाज उठाई है उन सभी के लिए, और जिन जिन ने ये कार्यक्रम किए हैं, शिखर जी के लिए आवाज उठाई है उन सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। और पूरी पूरी झारखंड सरकार के लिए भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आज सभी लोग अपने अपने घर में 5-5 दीपक जला करके दिवाली मनाओ। अभी महाराष्ट्री सेक्टर 37 जाएंगे क्योंकि अभी लगातार पालस चैनल पर तुरंत तुरंत लाइव करेंगे इस बात को, अभी जाकर के ठीक है। अभी संत मुनि वीर सागर की महाराज।